सो हेलो एवरीवन, तो फिर से आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे न्यू ब्लॉग पर। तो अभी मैं अगरतला पे हूँ, मेरे सिस्टर के घर पे। कल मैं आई थी अगरतला पे कुमारगंज से, तब मैंने ब्लॉग नहीं किए क्योंकि कल हमें जल्दबाजी करके आना पड़ा था। जैसे कि मैंने आप सबको बताया पिछले वाले ब्लॉग में कि ये हमारी मैडम जी घर पे गई थी कुछ काम की वजह से, तो वो घर से पहले कुमारगंज पे आई। और कुमारगंज पे आते ही हमारे सेकंड ट्रेन की टाइम भी हो गई थी, तो आते ही वो जल्दी से तैयार हो गए अगरतला के लिए। तैयार होने के बाद हम आ गए और टाइम भी हमने मैनेज कर ली है। और उसके बाद ट्रेन पे जाके हमें सीट भी नहीं मिली और ऊपर से बहुत सारे भीड़ था, तो मैंने ब्लॉग नहीं किया और थोड़ा अनकंफर्टेबल भी था मैं। तो ठीक है, आज ब्लॉग बना रही हूँ, तो देखते हैं आज क्या होती है। मेरी सिस्टर मुझे घुमाई है अगरतला, पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जाने वाले हैं, बट मैं एक्साइटेड हूँ। सो देखते रहना मेरे वीडियो को एंड तक। तो अभी हम रेडी हो रही है बाहर जाने के लिए। जाने से पहले भी मैंने एक बार तो दीदी के साथ फाइट कर लिया है, क्योंकि जब से सुबह हुआ है मुझे बोल रही है तू सो जा, जब शाम होगी तब हम बाहर जाएंगे। तो मुझसे और सोया ही नहीं जा रहा था, तो मैंने कहा तो अगर मुझे ऐसे ही सुला के रखेगी यहाँ, तो मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुक रही, मैं जा रही हूँ अभी। तो ऐसे ही मैंने दीदी के साथ भेज किया, तो आफ्टर भेज के बाद अभी हम बाहर जा रही है। रिक्शा पे उठ रही हूँ। वहाँ हमारी कुमारगंज पे तो रिक्शा वगैरह नहीं मिलता, सिर्फ तुक-तुक ही चलती है। तो हम आई है राजबाड़ी पे, जो कि मैं हमेशा दूसरे के ब्लॉग पर देखते रहते थे कि ये राजबाड़ी कहाँ होती है, कैसी होती है, क्या क्या देखने को मिलता है, मैं ऐसे ही सोचती रहती हूँ। लेकिन आज फाइनली मैं भी आ गई हूँ, तो देखते हैं। सो फाइनली अभी हम राजबाड़ी पे एंट्री करने वाले हैं। तो हमें अंदर जाने से पहले यहाँ पे टिकट लेना पड़ती है, जो कि 1% 40 रुपीज़ है, 2% का मतलब हुआ 80 रुपीज़। तो देखते हैं। बैकग्राउंड पे मैंने कुछ म्यूजिक ऐड नहीं किए क्योंकि कॉपीराइट वगैरह आती है, तो बहुत कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। पिछले वाले ब्लॉग में भी मैंने नो कॉपीराइट म्यूजिक करके यूट्यूब से लिया था, जो कि मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड ले ली थी। आफ्टर वीडियो एडिटिंग करने के बाद, अपलोड करने के बाद कॉपीराइट आ गई थी, तो मुझे डिलीट करना पड़ा। फिर भी आप लोग मेरी ये वॉइस रिकॉर्ड के साथ वीडियो को इन्जॉय करना, और यहाँ का व्यू, यहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मेरा तो मन कर रहा था मैं यहीं पे ही मेरे घर बना लूं, ताकि मैं यहाँ पे रोज़ आते जाते रहूं। आप लोग भी ज़रूर आना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलता है और बहुत कुछ जानने को भी मिलता है। पता नहीं अभी अंदर जाके देखने के बाद पता चलेगा कि वहाँ पे भी क्या क्या होती है। सो देखते रहें। तो यहाँ पे मैं फोटोशूट करूँगी, ये ड्रेस पहन के आई हूँ मैं, और साथ में मैंने स्वेटर भी ली है, ताकि जब मुझे ठंडा लगे तो मैं स्वेटर पहन सकूँ। ठंडा लगे। तो आप सब प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग कभी यहाँ आए हो। हाँ, ये तो सब लोग तो आए होंगे यहाँ पर, लेकिन फिर भी कुछ लोग तो होंगे जो अभी तक नहीं आए यहाँ पे। अगर टाइम मिले तो आ जाना, क्योंकि ये त्रिपुरा का पॉपुलर प्लेस है, तो यहाँ पे हर किसी को आना चाहिए। एक दिन के लिए आप लोग आ जाइए बस। फोटो सोच रही है यहाँ। और एक बात, मेरी हिंदी थोड़ा ब्रोकन है, प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लेना, और बोलने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ अच्छे से बोलने के लिए। मुझे पता है कभी ना कभी तो मैं अच्छे से हिंदी बोल पाऊँगी। अभी ब्रोकन से बनाना पड़ेगा। सीखो अच्छे से। हाँ, अभी तो ब्लॉग बनाने से क्या नहीं आता, सीखने से सब कुछ आ जाएगा। सो अभी वहाँ पे जाएंगे हम, वहाँ पे जाके आप सबसे मिलूंगी, और अभी तब तक मैं आप सबको दिखाते जाऊंगी। ए कैमरा हमो है, यहीं पर कैमरा अभी तुम से क्लाउ कैमरा देखे कौन से।
तो आज मैं यहाँ पे किसके साथ आई हूँ? मेरे सिबलिंग्स के साथ हूँ। ओ ये स्टैच्यू, ये कौन है? आप लोग प्लीज कमेंट में बताना। मुझे तो नहीं पता ये कौन है। मेरे लिए तो आज पहली बार है ये राजबाड़ी, मतलब कि आज मैं पहली बार आ रही हूँ, तो एक्साइटेड भी हूँ और हैप्पी भी हूँ। लेकिन अंदर जाने के लिए तो और भी ज़्यादा तरस रही हूँ मैं, क्योंकि मेरी दीदी ने बोला कि अंदर जाने के बाद तुम्हें और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा और नॉलेज भी मिलता है। तो बस अंदर ही जाना है मुझे, अभी यहाँ नहीं रुकना। बस आप लोग भी मेरे वीडियो को एंजॉय करना। वाह आज तो मेरा कैमरा भी कितना अच्छा हो रही है। मैं सोच रही हूँ अंदर जाने के लिए, लेकिन अंदर कैमरा अलाउ नहीं है ना, अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। मैं समझ सकती हूँ क्योंकि वीडियो में म्यूजिक नहीं है तो मज़ा भी नहीं आ रही होगी आप सभी को, बट मैं होप करती हूँ आप सब इंजॉय कर रही होंगे मेरे वीडियो को। अभी मैं अंदर जाने वाली हूँ, अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं है, तो बस अभी मैं बाहर का नज़ारा आप सबको दिखाते जाऊंगी, क्योंकि जब मैं अंदर जाऊंगी, अंदर से बाहर आऊंगी तब तो रात हो जाएगी, क्योंकि मैं सारी चक्कर लगाने वाली हूँ आज। तो जाने से पहले आप सबको यहाँ का नज़ारा दिखा के जाती हूँ, जब मैं बाहर आऊंगी तब तो अंधेरा हो जाएगा ना, तो सोचा अभी सब कुछ दिखा के जाती हूँ। फोटोशूट भी तो करना है ना मुझे यहाँ पे थंबनेल्स के लिए, और फर्स्ट टाइम आई हूँ तो फोटोशूट तो करना बनता ही है, तो फोटोशूट करती हूँ। सो मैंने देख लिया है अंदर। ओ माय गॉड, जाके मुझे इतना शांति मिला मन को, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मैं पुराना जमाना पे फिर से मैं चली गई हूँ, और मुझे वहाँ पे रुकने का मन हो रही थी। मुझे लगा कि यहाँ पे लोग सिर्फ ये नज़ारा, ये राजमहल और यहाँ का व्यू देखने के लिए आते हैं, लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम अंदर गई तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं भी त्रिपुरा से ही हूँ। अंदर इतना पीसफुली, इतना अच्छा लग रहा था। वहाँ पे सिर्फ यही नहीं है बल्कि आपको बहुत कुछ देखने को भी मिलता है और बहुत कुछ जानने को भी मिलता है, जैसे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के बारे में, स्पेशली हमारे त्रिपुरा के बारे में आप सभी को पता चल जाएगा, हमारे ट्रेडिशनल के बारे में भी और हमारे राजा के बारे में। मैं तो अकेली अकेली सोच रही थी कि काश मेरे पास भी टाइम मशीन होती तो मैं जाके देख पाती उस टाइम कैसे हमारे राजा की कहानी चलती थी। आज के लिए यहाँ पे इतना ही, जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं फिर से ब्लॉग करूँगी, क्योंकि मेरे साथ मेरी दो सिस्टर आई हैं जो कि मेरी सिबलिंग्स हैं, और मेरी दीदी के फ्रेंड वो भी आए हैं, लेकिन वो आज अंदर नहीं आए क्योंकि वो लोग डेली आते रहते, तो कहा कि आज तुम लोग ही घूम लो, मैं बाहर रुक जाती हूँ। तो वो रुकी है गेट पे, हमारी वेट कर रही है, तो हमें जल्दी से जाना होगा। सो आप लोग ये लास्ट व्यू देख लीजिए, वहाँ पर हम इतनी देर नहीं रुकी क्योंकि हमें बाहर भी तो जाना है। तो अभी हम भूटान मार्केट के लिए निकल पड़े हैं, और रास्ते पे इतना ज़्यादा भीड़ था, मैं क्या ही बोलूँ, तो हमें टुक टुक लेना पड़ा क्योंकि पैदल जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर हमने हाथ पे हाथ पकड़ के चली, टुक टुक तो हमने ले ली है, तो भूटान मार्केट के तो अभी हम आएंगे भूटान मार्केट, तो अभी हम आए हैं भूटान मार्केट पे। देखिए वेलकम टू भूटान वर्ल्ड एंड शॉप, स्वागत है। तो अभी हम भूटान मार्केट से आ गई है,
अभी हम हमारी मैडम के लिए चप्पल लेने आए हैं यहाँ, क्योंकि उसकी चप्पल की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी है और ऊपर से उसने हील पहन रखी है तो उसके पाँव में थोड़ा बहुत चोट भी लगी है, लेकिन उसे कुछ भी पसंद नहीं आया यहाँ का चप्पल और ऊपर से हमें भी नहीं आया। तो फिर से हम फिर से आ गए हैं फ्लावर्स की मार्केट पे, क्योंकि हमारी एक दीदी को फ्लावर्स लेना था, उसके घर पे लेकर जाना है। तो अभी ये देखो, फ्लावर्स देखने के बाद मेरे दिल पिघल गया है, इतना प्यारा इतना प्यारा। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं उसको घर पे लेकर जाऊं। मैं कहाँ आ गई हूँ गेस करो। हाँ, मैं अभी विशाल मार्केट पे ही आ गई हूँ। अरे, आते ही मैंने देखा मैं इतना अगली लग रही थी। मैंने अपनी फेवरेट ड्रेस पहना, फिर भी मैं अगली लग रही थी। और ऊपर से ये मेरे बाल खुले रखूँ या बांध के रखूँ कुछ समझ में भी नहीं आ रही थी मुझे। छोटे छोटे बच्चों के लिए इतनी प्यारी प्यारी स्वेटर, इतनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस है कि मैं बता ही नहीं सकता। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं ही फिर से छोटा हो जाऊँ और ये ड्रेसेस खरीद लूँ। अभी मुझे यहाँ पे थोड़ी देर भी नहीं रुकना था, क्योंकि ये मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी है। तो दीदी को कहा जल्दी से चलते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ कुछ लेना तो है नहीं, तो टाइम वेस्ट करके क्या फ़ायदा। तो दीदी ने हमें एक ऐसे दुकान पे लेके गए जहाँ मेरा मन कर रहा था मैं बस खाते ही जाऊँ। मोमोज दुकान पे लेकर गया था, जो मोमो इतना टेस्टी है मैं बता ही नहीं सकता। मोमोज भी खा लिया हमने, एक भी नहीं छोड़ा, चटनी भी नहीं छोड़ा हमने, सूप भी सब पी लिया। इतना टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, कुमारगढ़ से ज़्यादा यहाँ पे टेस्टी है। और प्राइस भी थोड़ा कम है यहाँ पे, कुमारगढ़ के तो 70 रुपीज और मोमो की सिर्फ 5। यहाँ पे एक मोमोस और 50 रुपीज, कितना अच्छा है यहाँ पे। सब लोग सॉस भी 3 तरह के सॉस मिलता है, और वहाँ पे तो हमें सिर्फ एक, और सूप भी बहुत बेकार यहाँ पे, तो बहुत टेस्टी है। अगर दोबारा आएगी तो यहाँ पे और फर्स खा के तो जाएंगे ना हम। तो अभी हम घर के लिए निकल चुके हैं। हमने थोड़ी बहुत घूमा, खाया पिया, बहुत कुछ किया, हमने इंजॉय भी किया, और हमें रास्ते भी मिले फिर से ये राजबाड़ी। नाइट व्यू तो ओ माय गॉड इतना प्यारा लग रहा था, मेरा तो मन कर रहा था कि मैं फिर से यहीं पे रुक जाऊं। और ये देखिए वुमेन कॉलेज, जो कि लड़कियों के लिए इससे अच्छा कॉलेज तो और कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कॉलेज। बाय द वे, आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुकी है। और ये देखिए चिकन, हमने ऑलमोस्ट तो खा ली है, लेकिन मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। घर पे तो कभी बनाता नहीं है खाना वगैरह, लेकिन उसके रेंट पे आई तो पता नहीं क्या भूचा रहा उस पे। घर पे तो कभी बनाता नहीं है मेरी दीदी खाना वाना वगैरह, लेकिन जब से मैं उसके रेंट पे आई हूँ वो मुझे सेवा कर रही है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं रानी हूँ यहाँ पे। बस ऐसे ही घर पे भी हो तो कभी हम दोनों के बीच में फाइट ही ना हो, लेकिन दो बहनों के बीच में ये सब कुछ होती रहती है, कभी प्यार तो कभी झगड़ा तो कभी कुछ, बट जो भी हो। तो होप करती हूँ आप सबने मेरे ब्लॉग को इन्जॉय किए होंगे। अगर आप सबको मेरे ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। और मैंने भी बहुत ही ज़्यादा आप सबके लिए मेहनत किया, क्योंकि मेहनत करना ज़रूरी है, मेहनत के बिना तो फल मिलना भी तो मुश्किल होता है। बट जो भी हो, ये सब कुछ तो जारी रहेगी मेरी। आज के लिए इतना ही, होप करती हूँ आप सबने इंजॉय किए होंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।